नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और इस समय मेरे साथ खड़ी है TVS की अपाचे 160R जो कि अपडेट हुई है। अपडेट होकर इसमें कुछ चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो कि नए ज़माने की हैं। वो अपडेट क्या क्या हैं और अब इस मोटरसाइकिल में परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो किस तरीके का आपको परफॉर्मेंस मिलता है, चलाने में कैसी है, इन सभी चीज़ों का जिक्र किया जाएगा। तो ये सिर्फ वॉक अराउंड नहीं है, ये एक कंप्लीट राइड रिव्यू है जहां पर हम आपको बताने वाले हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जो अपाचे सीरीज है काफ़ी मशहूर है देश में, ये वैसी है जैसे यामा की FG हो गई और बजाज की पल्सर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब आप जानना चाहते हैं क्या कुछ इसमें बदला है। तो वजन इसका कम हो गया है लगभग 2 किलो 160 का, और 180 का वजन कम हुआ है लगभग 1 किलो। इसका फ़ायदा इसके परफॉर्मेंस को मिला है। कि कैसा करती है परफॉर्म, इसका जिक्र करेंगे जब हम वहाँ पर चला रहे होंगे। यहाँ पर हेडलैम्प देखेंगे तो हेलोजन बल्ब गायब हो गया है, पूरा LED सेटअप मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये वाइजर भी काफ़ी जस्टिफाइड लगता है, अच्छा दिख रहा है इस मोटरसाइकिल के हिसाब से। और यहाँ पर आपको इंडिया का फ्लैग नज़र आ जाएगा, मतलब इंडिया के ट्राई कलर यहाँ पर नज़र आने वाले हैं। हेलोजन बल्ब के साथ में अभी भी टर्न इंडिकेटर आपको मिलते हैं, वही आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। और यहाँ पर अगर टायर प्रोफाइल की बात करेंगे तो 90-90-17 का यहाँ पर आपको टायर प्रोफाइल फ्रंट में मिलता है। और ये आपको अलॉय कुछ इस तरीके से मिलता है, जिस पर आपको TVS रेसिंग की बैजिंग रेड कलर के साथ में नज़र आएगी और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 1,18,000 रुपये एक्स शोरूम के आसपास लगभग आती है, 300-400 रुपये कम रहता है जहाँ मैं जो कीमत बता रहा हूँ। और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं अब उधर देख लेते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये काफ़ी कुछ नीट एंड क्लीन लग रहा है, कई जगह आपको कार्बन का ये प्रयोग मिलने वाला है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसको एक अलग अंदाज़ देता है। नए रंग इसमें आ गए हैं, साथ में यहीं पर आपको RTFI क्योंकि नया FI सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, तो इसमें आपको ये भी मिलने वाला है, इसकी बैजिंग मिल जाएगी। TVS रेसिंग इंजन काउल पर आपको यहाँ पर लिखा मिलने वाला है और ये काफ़ी अच्छा बन पड़ा है। और साथ में एग्जॉस्ट पे आपको ये क्रोम की पट्टी RTR लिखी हुई मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर काफ़ी कुछ अलग बनाती हैं इसे। अगर पावर की बात करें तो इसका इंजन अब 16 BHP की शक्ति देता है, 13.85 Nm का इसे टॉर्क निकलता है। और पैकेजिंग देखेंगे तो काफ़ी अच्छी लगने वाली है, सीट से एकदम सामंजस्य बिठाया गया है। अगर इस डिज़ाइन की बात करेंगे अपाचे की बैजिंग यहाँ पर मिल जाएगी और बाकी आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही है अब ये मोटरसाइकिल। रियर में क्या मिलता है वो भी आपको दिखाते हैं, फिर बताते हैं फीचर्स क्या क्या ऑफर किए हैं कंपनी ने इसमें। अब रियर की अगर बात करें तो आपको तो जो टायर प्रोफाइल मिल रहा है 120-70-17 का दिया गया है, और यहाँ पर इस तरह आपको सारी गार्ड मिल जाता है, काफ़ी अच्छा है, खास करके उनके लिए जो एक तरफ पैर करके बैठना पसंद करती हैं, महिलाएं साड़ी पहनती हैं। RTR 160 की बैजिंग मिल जाएगी इस तरफ, और यहाँ पर आपको ग्राफिक्स का अच्छा इस्तेमाल मिलने वाला है। यहाँ पर भी आपको कुछ कार्बन वाला ये अंदाज़ देखने को मिलेगा, और साथ में यहाँ पर नंबर प्लेट के लिए व्यवस्था बनाई गई है। और टर्न इंडिकेटर यहाँ पर भी हेलोजन बल्ब के साथ मिल जाता है, ये वाला पार्ट आपको LED मिल जाता है। और ये ग्रैब रेल काफ़ी खूबसूरत लुक दे देता है, पीछे के साइड में जाता हुआ काफ़ी अच्छा बन पड़ा है। तो फीचर की चर्चा करने से पहले बैठ के दिखा देता हूँ कि अगर मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा की है बैठता हूँ तो कितना कंफर्टेबल रहूँगा। तो ये मेरा राइडिंग पोजीशन होने वाला है, मुझे लगता है परफेक्ट है। हालांकि कोई पिलियन बैठेगा तो हो सकता है उसकी जगह थोड़ी मैं खा के बैठा हूँ, लेकिन फिर भी पिलियन इस पर काफ़ी कंफर्टेबली बैठ पाता है। तो ये शुरू से ही जस्टिफाइड करती है अपने आप को 160R, और मैंने कई बार अपने रिव्यू में इसका जिक्र भी किया है। स्लीपर क्लच के साथ में अब आती है, और यहाँ पर जो फीचर सब मिल जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको बदली मिलने वाली हैं, जैसे कि आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका दिया गया है अब पूरी तरीके से LED हो चुका है। तो यहाँ पर अब आपको पूरी तरीके से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जैसे आप ऑन करेंगे गियरअप की बैजिंग आ जाएगी, और यहाँ पर जिसका नाम होगा उसका प्रोफाइल भी सेट हो जाता है। कई सारे कनेक्टेड फीचर्स इसमें मिल जाते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लीजिएगा, आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे इसमें कनेक्टेड वाले। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि नए ज़माने की मोटरसाइकिल है, तो नए ज़माने की चीज़ें देने की कोशिश की गई हैं। राइडिंग मोड मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ से बदल सकते हैं, 3 राइडिंग मोड मिल जाता है, यहाँ से बाइक स्टार्ट कर सकते हैं इस तरफ से, और साथ में इस तरफ पे आपको बहुत सारी चीज़ें और मिल जाती हैं जो कि नॉर्मल मोटरसाइकिलों में आपने यूज़ किया है। आई बटन दिया गया है जिससे आप कनेक्टेड फीचर्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे से अपना काम करता है, और मुझे ये मोटरसाइकिल इस मामले में अगर कनेक्टेड की बात करें, ब्लूटूथ कनेक्ट होने वाला सिस्टम की बात करें, तो मुझे काफ़ी अच्छी अब लग रही है। इसमें कंपनी ने क्लिप ऑन हैंडल बार ऑफर किया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा रहता है, और युवा एंथुजियास्ट जो है राइडर उनको काफ़ी पसंद आता है। और अब मैं इसकी आवाज़ सुनाता हूँ आपको कि किस तरीके से इसकी आवाज़ आपको मिलने वाली है।
आइडल कंडीशन में, और जब एक्सप्लोर करेंगे और ये आवाज़ 100% आपको जानी पहचानी लग रही होगी अगर आपने ध्यान से सुना होगा। साथ में यहाँ टैंक पर रेसिंग सिंस 1982 इसकी बैजिंग मिल जाती है और टैंक काफ़ी अच्छे से यहाँ पर दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छे से पैर में आ रहा है। तो अब सीधे रुख करते हैं इसके राइडिंग का और बताते हैं कि ये परफॉर्म करने में किस तरीके से रहती है और क्या जो पावर बढ़ा है इसमें वो आपको फील भी होगा या नहीं। तो चलिए चलाकर देख लेते हैं इस TVS RTR 160 को और आपको बताते हैं कि जो चेंजेस हुए हैं तो किस लेवल तक समझ में आते हैं, यानी कि परफॉर्मेंस में जो थोड़ा सा पावर आउटपुट बढ़ा है क्योंकि अब 16 BHP की ये शक्ति देता है तो किस तरीके से आपको समझ में आने वाला है। सोच रहा था 0 to 60 करूं बट रोड अलाउ नहीं कर रहा है, इस वजह से नहीं कर रहा हूं। और सिंपल सा आपको बता दूं कि जब आप शुरू करते हैं मतलब पिकअप की बात करेंगे तो आपको एक बढ़िया पिकअप मिल जाता है और अच्छी बात है क्योंकि आप यहां पर आपको गियर इंडिकेशन देखिए यहां पर आपको मिलता रहता है तो वो आपको बहुत सा सपोर्ट करता है। मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ जिससे आप आराम से चीज़ों को समझ पाएँ। तो यहाँ पे देखेंगे अगर मैं इस गियर में चल रहा हूँ और बाइक को ज़रूरत पड़ेगी ना शिफ्टिंग की तो यहाँ पर भी है, मतलब आपको आपकी नज़रों में रहेगा कि भैया किस गियर पे आप बाइक को चला रहे हो। आराम से 50 तक पहुंच जाते हो, मतलब शिफ्टिंग इतनी स्मूथ है कि आपको अच्छा लगने वाला है। अगर आपने पहले अपाचे को चलाया होगा 160 को तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो उसका जो वज़न 2 किलो गया है और जो परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ इन्हेंस हुआ है वो कितना सही है और कितना अच्छा लगता है। और आप टॉप स्पीड की तरफ भी बढ़ सकते हो आराम से, मतलब ये बाइक 100 की तरफ बढ़ती हुई दिख जाएगी। लेकिन कंफर्टेबल स्पीड माइलेज वाले की बात करेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 80 से ऊपर मत जाइए, वहाँ पर आपको बढ़िया माइलेज मिलने वाला है। मान के चलिए आप 40-45 का माइलेज इससे हासिल कर सकते हैं अगर अपनी भावनाओं पर काबू रखेंगे। राइडिंग मोड मिल जाते हैं तो यहाँ से एरा बहुत ईजी है बदलना, तो अभी मैं रेन पर कर रखा है, मैं हटा देता हूँ इस पर। अगर मुझे कुछ और चाहिए तो मैं राइडिंग मोड अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। तो रेन हो गया, इस पर आपको कुछ तो थोड़ा सा एरर आ रहा है क्योंकि अभी चीज़ें बहुत सारी चेंज हुई थी, अभी नई बाइक है तो इसमें कुछ ना कुछ क्लोज थ्रोटल, मतलब अगर आपको बदलना है तो ये क्लोज अर्बन पे आ गया, मतलब आपको थ्रोटल क्लोज करना पड़ता है, वो ध्यान नहीं दिया मैंने। तो जब आप थ्रोटल क्लोज करोगे तो अभी मैं अर्बन पे चल रहा हूँ देखिए, और एक मोड और मिल जाता है इसमें अगर मैं थ्रोटल क्लोज करूँगा तो देखिए इस पे स्पोर्ट मोड। तो स्पोर्ट मोड में थोड़ा सा राइड कर लेते हैं, हालाँकि जो सामने का ट्रैफिक है वो इसके लिए अलाउ नहीं करेगा क्योंकि सामने बहुत ज़्यादा आपको ट्रैफिक यहाँ पर मैं जहाँ पर राइड कर रहा हूँ वहाँ पर मिल रहा है। लेकिन मेरा इस बाइक को चलाने का मकसद सिंपल सा है कि मैं आपको वो फील दे सकूं जो आप नॉर्मल जीवन में यूज़ करते हैं। तो इसे अर्बन पे चलाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए मैं एक ऐसी जगह से गुजर रहा हूँ, थोड़ी सी टूटी फूटी सड़क है यहाँ पर और सस्पेंशन यहाँ अपने आप अपनी कहानी कह रहे हैं। तो सस्पेंशन सेटअप काफ़ी दुरुस्त लगता है इस बाइक के हिसाब से, हालांकि कुछ ऐसा नहीं दिया गया है कि बहुत अत्याधुनिक तरीके से सस्पेंशन, वही सस्पेंशन रखा गया है, बट इसका जो ट्रैवल है वो बहुत प्यारा है तो आपकी कमर तक दर्द नहीं जाता है। मुझे जब इसको टेस्ट कर रहा था तो मुझे अचानक याद आ गया कि जब सबसे पहली बार मैं लेह लद्दाख गया था साल 2010-11 की बात है और वहाँ पर एक बंदा लेके आया था अपाचे, मैं उसे देख के क्योंकि उस टाइम का लेह लद्दाख का रियल वाला ऑफ रोडिंग वाला था, वहाँ पर मतलब बहुत कम अच्छी सड़कें थी, सिर्फ टूटी हुई सड़कें ज़्यादा थी। तो लेके मैंने उसे देखा था, बहुत खुशी हुई थी कि एक बंदा एक ऐसी मोटरसाइकिल से भी जिसके जो बुलेट लेके नहीं आया है, रॉयल एनफील्ड पर भरोसा नहीं किया है और आराम से वो कर रहा था। अगर सिटी में ओवरटेकिंग की बात करें, जैसे आप नॉर्मल रफ्तार पर चल रहे हैं इतने में आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो ये कॉन्फिडेंस देती है, और आपको ब्रेकिंग चाहिए तो आपको ब्रेकिंग बाइट्स अच्छे से मिल जाते हैं क्योंकि ये ड्यूल चैनल ABS मोटरसाइकिल है तो इसमें जो बाइट्स मिलते हैं बहुत प्यारे हैं, मतलब आराम से आप कहीं भी अपने बाइक को रोक सकते हैं और सिटी ट्रैफिक में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए बात करते करते खुला रास्ता भी आ गया है जहाँ पर इसके और करेक्टर की बात की जा सकती है और हाईवे स्पीड की चर्चा की जा सकती है। तो जब आप मोटरसाइकिल को पराठा भरेंगे 4 पे 5 पर पहुँच गया हूँ और अर्बन में ही चला रहा हूँ लेकिन मन कर रहा है कि स्पोर्ट मोड में डाल दो, तो चलिए स्पोर्ट मोड में कर दिया है। और यहाँ पे सच में मतलब हर मोड में आपको कैरेक्टर चेंज होता समझ में आएगा और ये बहुत अच्छे से परिभाषित हुआ है इस मोटरसाइकिल में,
इसका जो थोड़ा सा पावर बढ़ा है वो आपको फील होने वाला है। अगर आप अच्छे से मोटरसाइकिलों को समझते हैं तो आपको फील होगा पावर टू वेट रेशियो इम्प्रूव हुआ है। और 180 में भी बोलते हैं 1 किलो का वजन कम हुआ है, लेकिन उसे भी मैंने चलाया नहीं, जब चलाऊंगा तब उसका जिक्र करेंगे, लेकिन ये आपको यहाँ पर 100% समझ में आने वाला है। तो मोटरसाइकिल अच्छे से आपको आगे बढ़ाती रहती है और सब पूरे ट्रैफिक को, मतलब पूरे शहर के ट्रैफिक को आप पीछे छोड़ देते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं इस मोटरसाइकिल से तो इसकी तारीफ ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बहुत कंफर्टेबली ये, मतलब अगर मेरी हाइट की बात करेंगे तो मैं बहुत कंफर्टेबली राइड कर पा रहा हूँ, मुझे ग्रिप बहुत अच्छा मिल रहा है और जो मेरी राइड पोजीशन है वो भी मुझे बहुत परफेक्ट लग रही है, सीट की कुशनिंग मुझे अच्छी लग रही है और जब मैं गियर शिफ्ट कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी मुझे एक स्पोर्टी फील, स्पोर्टी पंच मिल रहा है। तो ये इस मोटरसाइकिल के फेवर में जाता है। और ये पहली लाइट मेरे सामने आ रही है जिस पर मैं थोड़ी देर के लिए खड़ा हूँ और शायद खड़े होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं अपना आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं जो जिस स्पीड की बात कर रहा था कि अगर आपको ज़्यादा अच्छा माइलेज चाहिए तो 80 तक इस मोटरसाइकिल को रखिएगा, अगर हाई आरपीएम पर चलाएंगे तो ऐसे ही माइलेज गिर जाएगा, और अगर आप सिटी में चला रहे हैं तो जैसे मैंने स्पोर्ट डाल दिया है तो स्पोर्ट पर सोचिएगा भी मत, इसे नॉर्मल रखिएगा। अर्बन मोड पर ईजी है गियर चेंज करना, थ्रोटल डाउन कर दीजिएगा अपने आप गियर चेंज हो जाएगा। और मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल का फ़ायदा क्या होता है, सकरी गलियों से भी आप आराम से निकल जाते हैं, लेकिन ऐसे सिचुएशन नहीं जहाँ पे ये रिक्शे वाले भैया, इलेक्ट्रिक रिक्शा बहुत ख़तरनाक लगता है मुझे शहर में, सच बताऊँ आपको, और ये लोग आपको मौका नहीं देते हैं कुछ और करने का कहीं भी, मतलब देख इनको पीछे देखना नहीं होता, इनको पता है जो और गाड़ियाँ चल रही हैं वो इनको देख कर चलेंगी। तो ये देखिए अर्बन मोड में मैं आराम से क्रूज़ करता हुआ, और सिटी ट्रैफिक को अगर मेरा मन कर रहा है तो मैं सिटी ट्रैफिक को पीछे भी छोड़ रहा हूँ आराम से, ये लोग पीछे मेरे चले जा रहे हैं। और 70 से 80 के बीच में ये राइड देखिए कितनी कंफर्टेबल, मतलब आपको रिफाइनमेंट समझ में आने वाला है इस मोटरसाइकिल का। लेकिन अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने के बाद में थोड़ा सा आपको एक वाइब्रेशन भी फील होगा, तो ज़्यादा रफ्तार पे मत भरगाइएगा इस मोटरसाइकिल को। हालांकि अगर जीना चाहेंगे तो उसके लिए रेस ट्रैक चले जाइएगा, नहीं तो अनुशासन जो है टूट जाएगा सड़क का, तो उसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत कुछ अच्छा लगता है मुझे इस मोटरसाइकिल में अभी जैसे चला रहा हूँ, और जो मुझे इसका फर्स्ट राइड इम्प्रेशन मेरे दिमाग में दर्ज हो रहा है, मैं इसको अंकित कर पा रहा हूँ अपने मानस पटल पर, वहाँ पर ये मोटरसाइकिल मुझे सच में बहुत ही दुरुस्त लग रही है। और ब्रेकिंग बाइट्स पहले ही चर्चा कर चुका हूँ, चीज़ों को स्लिपर क्लच मिल जाता है, उसका भी बेनिफिट मिलता है। और अच्छी चीज़ क्या है कि इस सेगमेंट में जहाँ पर ये देखिए बात की थी ना कि आपको अगर ब्रेक अच्छे हो तभी ऐसे शहर में आप पार कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी सरप्राइज़ दे जाता है सामने, और इस मामले में मतलब इसका ब्रेक पूरी तरीके से टेस्ट हो गया है, और इसके ऐसे स्पीड ब्रेकर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से आप निकलते चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको कि स्पीड ब्रेकर पार हो गया है। हालांकि थोड़े मोड़े ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे हल्का सा फील होगा, बट उतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा है। तो सस्पेंशन का काम भी बहुत अच्छे से हुआ है, और TVS जिस तरीके से इम्प्रूव कर रही है चीज़ों को, उससे लग रहा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि TVS देश की एक बहुत बड़ी मतलब दुपहिया कंपनी बन जाए, क्योंकि इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है TVS के। अगर इसके पहले की बात करेंगे तो TVS के प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ दिक्कतें ऐसी रही हैं, अगर उन दिक्कतों का समाधान ये सही से कर पाएंगे तो सच बता रहा हूँ, अगर लोगों की इन्होंने सुन ली, जिस तरीके से अभी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, प्रोडक्ट अच्छे आ रहे हैं, हाई एंड बाइक्स भी अच्छी लेके आ रहे हैं, मतलब प्रीमियम सेगमेंट में इन्होंने सुगबुगाहट कर दी है, एक एंट्री मार ली है इनकी, अपाचे 310 हो गया, रॉनिन हो गई, ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 100% एक बढ़िया अवसर है भारतीय बाज़ार में अपने कदम को और ज़्यादा मजबूत करने का। और बहुत सारे प्रोडक्ट इनके, स्कूटर रेंज भी अच्छी है और दोपहिया रेंज भी अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो मेरी इस राइड में मुझे जो नज़र आ रहा है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो एवरेज स्पीड पर जिस पे मैं बहुत कुछ टेस्ट करने की कोशिश की है वहाँ पर, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा है। और इसके दोनों रियर व्यू मिरर पर मुझे विजिबिलिटी भी मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखा है, लेकिन बहुत अच्छी, मतलब बहुत कम मोटरसाइकिलें ऐसी होती हैं जिस पे मुझे अच्छे से व्यू मिलता है, और वो एक ये 160 एक ऐसी मोटरसाइकिल है जहाँ पर मुझे अच्छे से व्यू मिल रहा है। और मेरे फर्स्ट राइड इम्प्रेशन में फ़िलहाल इतना ही, और ये जितना कुछ बताया है ना ये शहरी कंडीशन के हिसाब से बताया है, मैंने फर्राटा भरने के लिए या रफ्तार भरने वाला सा कुछ भी इसमें नहीं किया है। इस मोटरसाइकिल से आप एक नॉर्मल ज़िंदगी मतलब डेली कम्यूटिंग के तौर पर, जहाँ पर आपका एक लाइफ स्टाइल भी थोड़ा ऊँचा रहेगा, उसके लिहाज से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, जी सकते हैं, और वहाँ पर ये चीज़ आपको 100% पसंद आने वाली है।
बुलेट ट्रेन के भी रफ्तार से ज़्यादा तेज़ भागती इस दुनिया में चीज़ें कब पुरानी हो जाएं पता ही नहीं चलता, और अगर आपने ज़माने के साथ कदम ताल नहीं मिलाया तो वहाँ पर आपके लिए मुश्किल आने वाली है। और इस बात को सबसे अच्छे से समझा है TVS ने, और TVS ने जो प्रोडक्ट अब इंट्रोड्यूस करने शुरू किए हैं वो लोगों को पसंद आ रहे हैं। चाहे रॉनिन की बात कर लें, रेडर की बात कर लें, या फिर रेडियन की बात कर लें, हर किसी को प्रोडक्ट इसके पसंद आए हैं। और जो नए बदलाव इस मोटरसाइकिल में कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए हैं वो 100% काफ़ी अच्छे बन पड़े हैं और युवाओं को पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये राइड रिव्यू आपको पसंद आया होगा। फिर मुझसे कुछ रह गया है, कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पावर ऑन को तो सब्सक्राइब आपने करके रखा ही हुआ है, यहाँ पर कॉमेंट कर दीजिएगा। और साथ में फटाक से आपको जवाब चाहिए तो मेरे पावर ऑन व्हील इंस्टाग्राम पर चले आइएगा।